अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सीजनिंग जिसका नाम है लेमन पेपर सीजनिंग। इसके साथ जो है आप सिंपली बारबेक्यू कर सकते हैं, चिकन पे लगाएं, गोश्त पे लगाएं, मटन पे आपकी अपनी चॉइस है, बारबेक्यू कर लें, ग्रिल कर लें, पैन में इसको बना लें सीजनिंग के तौर पर, चिकन वगैरह पर लगा कर ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहले जो है चीज़ें आपको दिखा देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए फ्रेश लेमन्स, ठीक है, अच्छे से वॉश करके मैंने इसको ड्राई कर लिया है। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए नमक, दैट्स सॉल्ट जो सादा घर का होता है, साबुत काली मिर्चें, दैट्स ब्लैक पेपरकॉर्न्स, ये भी आपको साबुत फ्रेश चाहिए होंगी। ये चीज़ें हो गई तमाम रेसिपी के लिए, ठीक है। बनाने का तरीका कुछ यूँ है, गर्मियों में आप आसानी से लेमन्स को जो है धूप में सुखा सकते हैं, आपने इसको जितना बारीक काट सकते हैं आप इसको काटते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती जाऊँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको अदरक लहसुन प्याज वगैरह बेक कर आपको पाउडर उसका बना करके दिखाया था, उसी तरीके से आप जो है इसके छिलका रिमूव करते हैं, जिस तरह आलू का पीलर होता है उसके साथ आप इसका छिलका रिमूव करेंगे और इसको ट्रे पर बिछा करके आप इसको ओवन में भी बिल्कुल लो हीट पर बेक कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब बिल्कुल ही आप देखेंगे क्रिस्प हो जाती है इसकी स्किन, तो फिर जो है आप उसे ग्राइंड कर पाउडर की फॉर्म कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने इसको एक्चुअली ओवन में भी आपको बता दिया करना और ये है कि धूप में भी आपको बता दिया, अब दिखाते हैं कि आपको इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। सिंपली आपने लेमन लेना है, शार्प नाइफ लेंगे और जितना बारीक आप कर सकते हैं ये देखें, उसमें ये है कि आप इसको ओवन में बेक करें या धूप में रख करके सुखा लें, या अगर आपके पास में हाइड्रेटर मशीन है तो उन सब में ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। जितना मोटा आप इसे काटेंगे ज़्यादा दिन लगते हैं, लेकिन इतना बारीक अगर आप इसको काट रहे हैं तो धूप में अच्छी तरह जो है इसको तकरीबन आपको लग जाएंगे अबाउट 4 डेज, एटलीस्ट इसको 4 दिन लगेंगे, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि धूप अच्छी जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि जो है आपका काम जल्दी हो जाए। उसके बाद आप कोई भी इसका स्ट्रेनर ले लें और उस पर आपने स्लाइसेस इस तरीके से लगाने, एक दूसरे के ऊपर नहीं, इस तरह आप इसको बिछा लेते हैं, ठीक है। इस तरह बिछा लेने के बाद आपने इसके ऊपर कोई भी कपड़ा रख लें, मलमल का ये वो, ताकि इस पर कोई मट्टी ना पड़े या कोई मक्खी वगैरह ना बैठे। और जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो ये देख लें, इसको जो है मैंने पर्सनली जो बेक किया है इसे मैंने किया है ओवन में, क्योंकि हम लंदन में रहते हैं, हमें यहाँ पर लंदन में जो है आपको पता है इतनी ज़्यादा ठंड होती है और धूप कम निकलती है, समझ में भी इतनी खास नहीं होती, तो इसलिए हमें प्रोसेस जो है इसे करना पड़ता है ओवन में। मैं आप इसको ओवन में कर चुकी हूँ, आपको मैंने जो सिखाया हुआ है इसका लिंक मैं वीडियो में आपको दूंगी ताकि आप इसको देख सकें उसमें भी, और आपको पता चल जाएगा आपने इसको किसी किसी ओवन में बेक करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है, आप इसको जितना बारीक काटते हैं उस तरीके से आपने इसको ओवन में डाल करके फिर ड्राई कर लेना होता है। 24 घंटे लगते हैं ओवन के अंदर में इसको आराम से बेक होते हुए। ये हो गया यहाँ पर, अब आपको दिखाते हैं कि इसको आप किस तरीके से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडिंग में ले लें और ये देख लें कितना क्रिस्प है, देखा आपने। तो ये है कि ये आपने इसका करना होता है, इस तरीके से आप इसको उसमें डालेंगे और इसे पहले ग्राइंड कर लें इनटू अ पाउडर। तो ये देख लें, परफेक्टली आपने इसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद आप एक प्लेट लेंगे, एक सिव लेंगे और आपने इसको छान लेना है, क्योंकि इसमें जो मोटे मोटे पीसेज हैं देखें, जो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में हो जाता है वो नीचे आ जाएगा, और जो ये वाला है इसे हम दोबारा ग्राइंड कर लेंगे यहाँ तक अच्छे से ये पाउडर की फॉर्म में आ जाए। तो तमाम को पहले छानें और जो बाकी मोटा मोटा रह जाएगा उसको दोबारा ग्राइंड कर लें। तो ये देख लें, परफेक्टली पाउडर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब आप दोबारा ग्राइंडिंग में लेंगे, उसमें आपने डालनी है काली मिर्चें और आपने इसको भी जो है अच्छी तरह पीस लेना है। अब आपने इसमें फ्रेश जो है काली मिर्चों को पीस कर डालना है, फ्रेश का जायका बहुत अच्छा होता है, अगर आप बाज़ार से पिसी भी डालेंगे तो वो जायका नहीं आता, फ्रेश का अपना ही होता है। तो ये आप इसमें डालते हैं, साथ ही बीच में आप ऐड करेंगे नमक, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जार में रखकर इसको आप
जो है शेल्फ पर रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखा जाता। ये टिप मैं आपको यहाँ पर ये दूंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल इसी तरह पाउडर फॉर्म में आपको लेमन पेपर सीजनिंग मिले, तो सिंपली आपने करना है कि जितना अच्छी तरह आप लेमन को ड्राई करेंगे उतना ही बेहतर होगा। वरना ये होगा कि अगर उसमें कोई थोड़ी सी ड्राइनेस होगी तो जो आपका ये पाउडर अब देख रहे हैं बिल्कुल पाउडर की शक्ल में, ये बिल्कुल जो है गीला गीला हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह लेमन को आपने ड्राई करना है और उसके बाद ये रेसिपी तैयार हो जाती है। यकीन जाने ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है मैरिनेशन के लिए। इसी के साथ मैं आपको मैं नेक्स्ट रेसिपी दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसके साथ में किसी के से चिकन के विंग्स बना सकते हैं या इसको रोस्ट कर लें। लेकिन ये सीजनिंग बहुत ही अच्छी है, इवन अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं यकीन जाने दिस इज़ रियली नाइस। तो इसी के से आप बनाते हैं लेमन पेपर, इसी के से आप बनाते हैं और एयर टाइट जार में इसको डाल करके रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी का इंतजार की, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप उसको किसी के से मैरिनेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और कंप्लीट रिटन रेसिपी अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाते हैं विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को क्वांटिटी रेसिपी की भी दी जाती है। काफ़ी लोगों को बहन भाइयों को ये कंप्लेन है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो वीडियो के नीचे जो बेल आइकन होता है उसको अगर आप दबा देते हैं तो ये कि आपको स्ट्रेट अवे वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाती है। ज़रूर बनाइएगा, बताए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।